हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक सवाल करने वाले हैं कि यहाँ पर सवाल आप देख लीजिए, लिखा हुआ है कि चार आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। समझिए, चार आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो उसी काम को 18 आदमी कितने दिन में करेंगे। इस सवाल को हम इस वीडियो में हल करेंगे। इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या लिखा है। देखो, कोई सा भी काम हो सकती है, चाहे घर का काम हो या फिर चाहे बिल्डिंग बनाने का हो या फिर कोई सा भी काम हो, उसमें क्या है, चार आदमी काम कर रहे हैं, 12 दिन में उसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी काम को 18 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो मैं आपको इसको हल करके बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक और तरीके के साथ। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे टाइप की वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक सिंपल सा तरीका है, फार्मूला है। पहले लिख लेते हैं क्या कह दिया है, चार आदमी किसी काम को। नहीं, देखो फार्मूला जो हमारा है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। वो फार्मूला है MDH/W। अब कहोगे ये MDH/W क्या है, तो मैं बता देता हूँ। लिखा है, इसका मतलब ये हुआ ना, जहाँ M बराबर क्या हो गया, मजदूर, क्या होता है M बराबर मजदूर, D बराबर क्या हो जाएगा, दिन, और H बराबर क्या होता है, घंटा, और W बराबर क्या होता है, काम या फिर कार्य, ये होता है। ये हो गया इन सभी का मतलब। अब देखो यहाँ क्या क्या दिया है, चार आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो आदमी यानी मजदूर M से हो जाएगा प्रदर्शित करेंगे। तो देखो यहाँ दो जगह लिखा है, चार आदमी यहाँ भी लिखा है, यहाँ लिखा है 18 आदमी, तो यानी दो बार लिखना है, दो बार आदमी दिया है। तो सवाल को हल करने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, M1 यानी कि पहला मजदूर पहला वाला, M2 हो जाएगा दूसरा वाला। तो M1 कितना दिया है लिख लेंगे, देखते हैं, चार आदमी, ये हो गया चार आदमी। फिर क्या दिया है, 12 दिन में करते हैं, पहले M1 वाला पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। D हो गया दिन, तो D लिखेंगे, D1 कितना दिन में, 12 दिन में, ये हो गया 12 दिन में। H घंटा तो दिया नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। W काम क्या है, काम तो वही काम है, पता नहीं कौन सा काम है, तो इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि दोनों में काम सेम है। देखो, चार आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो उसी काम को, यानी कि दोनों काम सेम है, इसलिए काम को छोड़ देंगे। M1 D1 हो गया। फिर इस तरफ लिख देते हैं, अब देखो फिर तो उसी काम को 18 आदमी, तो यानी कि M2 यानी दूसरा वाला जो लिखा है मजदूर, ये वाला लिखेंगे 18 आदमी, और D क्या है, D2, इसमें दिया 18 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो ये देखो D2 हमें बताना है। अब देखो ये हमने ये पूरा लिख लिया, अब इसको हल करना है। तो हल करने के लिए सिंपल सा तरीका है, क्या करेंगे, लिखेंगे M1, देखो MDH, तो H भूल गए, तो MD हो जाएगा, तो M1 D1 बराबर M2 D2। जब दो बार दिया हो, इसमें से एक चीज़ पूछ रहा है, तो ऐसे लिखते हैं M1 D1 बराबर M2 D2। अब इसको देखो हल करना है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा से, कि हल करने में आसानी हो। तो अब देखो इसको हल करना है, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। M1 कितना दिया है, 4 है, तो 4 लिख लेते हैं, ठीक है। D1 यहाँ देखो कुछ नहीं है, तो गुणे निशान रहता है, D1 की जगह कितना है, 12, ये लिख लेंगे, 12 बार लगाएंगे। M2 कितना है, 18 दिन है, मतलब 18 आदमी है, गुणे D2 हमें क्या करना है, बताना है। अब इसका गुणा कर देंगे, 12 × 4 = 48 बराबर 48 बराबर 18 D2। तो हमें देखो D2 बताना है, क्या करना है, D2 निकालना है। तो D2 को देखो हम एक तरफ रहने देते हैं, देखो D2 को एक तरफ रहने देंगे और इसको इस तरफ पछांतर कर देते हैं। तो हमें D2 निकालना है, तो इसको देखो बराबर है, तो इस तरफ उस तरफ लिख सकते हैं, 18 × D2 बराबर 48, इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, समझ गए। तो हमें D2 निकालना है, D2 इस तरफ रहने देंगे, ये 48 है, बटा में ये नीचे आ जाएगा 18। अब इसको हल कर देना है, तो देखो जगह कम की वजह से मैं यहाँ पर कर देता हूँ लाइन खींच कर, तो D2 बराबर 48/18। अब इसको हल कर देना, देखो काटना है, तो कितना काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। अब किससे कटेगा, 3 से काटते हैं, 3 × 3 = 9,
डिनोट 24, तो डी टू बराबर 8/3। अब इसको ऑल हर करेंगे, 8 में 3 का भागा देंगे कितना होगा, यहाँ देख लेते हैं, 3 दुनी के 6, 8 में देखो 3 का भाग देना है, तो 3 दुनी के 6 ये बचा 2, दशमलव लगाएंगे, 1 0 आएगा, 3 6 18, फिर वही आएगा 6 2.6, बार बार यही देखो आएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2 दिन, अब कितना हो जाएगा 2 दिन कुछ घंटा आपका यहाँ पर लगेगा, समझ गए, ये होगा इसका आंसर, ये हमारा है आंसर। तो मेरे कहने का मतलब कि यही तरीका है जो फार्मूला मैंने बताया है MdH/W, इस फार्मूले से अगर हम सवाल को हल करेंगे तो हमारा सवाल एकदम सही आएगा और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों इस तरीके से सवाल को हल किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।